बोलेंगे सर आपने लगा तो दिया, थोड़ा सा ज़ूम करके बता देते हैं। हाँ, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अब इस पे गाना बजा देते हैं। ये देखो सर, ओवरहीट का मैसेज आया था, आपने देखा नहीं? हाँ, स्क्रीन पे फ्लैश करा था। कुछ भी है हम कर सकते हैं, मॉस्फेट भी लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है करंट कंट्रोल डिवाइस, ये करंट को कंट्रोल करती है, एम्पलीफिकेशन करती है। बट इनको बाईपास करके लगाना कितना सही है कितना नहीं, आज प्रैक्टिकली देखते हैं। मार्केट में हो रहा है, होने दो, आप सीख रहे हो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है, हम थोड़ा अगर नॉलेज है तो वो दिखाएंगे कि ये क्यों सही नहीं है, क्यों सही नहीं है। हर तरह पर बातचीत होनी जरूरी है। ये मेरे भाई, ये कस्टमर को भी आएगा, ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, समझना। सर आप सही बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या क्या फिर? ये डीएसओ होते ही नहीं मार्केट में, मस्पेट पे काम हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल को छेड़ो मत, जो है उसको और प्रॉपर बना। और दो डायोड नहीं है तो उनको स्टूडेंट को बोलना चालू करो कि डायोड लगाओ, कैपेसिटर नहीं है तो कैपेसिटर लगाओ। ये मत ये कहने का आप नहीं कि कैपेसिटर भी हटा दो, डायोड भी हटा दो, फिर क्या बचा फिर सर्किट में? तो जब लगाना ही है आपको, देखो एक सब कॉपी जब आप लगाते हो सीसी, और जब वो एनसी होता है तो उसमें कितना प्रॉब्लम जाता है, उसमें आपको एयरप्लेन मोड आ जाता है, आपको नेटवर्क वीक आते हैं उसके अंदर, कितना उसके अंदर कई बार सेट डेड हो जाता है। सैमसंग के सेट लोगों पे आके कितने के सब कॉपी लगाने पर सेट डेड हुए। आप मेरी बात समझिए, अगर ये सब करना होता ना तो हम करके देते, और क्यों नहीं देते, बहुत पहले से काम कर रहे हैं। मैं देवेंद्र अग्रवाल फ्रॉम एसी टेलीकॉम, मैं एसी टेलीकॉम टीम से देवेंद्र अग्रवाल, राम राम सारे भाइयों को। और ये एक ट्रांजिस्टर लगा के हमने स्पीकर को बाईपास किया है, और ये मार्केट में खूब काम चल रहा है। तो मैं ये देखो, ये स्पीकर दिखाई दे रहा है, अभी मैं इसमें आवाज भी सुनाऊंगा और एक फॉल्ट भी दिखाऊंगा, और ये बाय एक्सपेक्टेड मतलब अनएक्सपेक्टेड ये फॉल्ट हमें मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांजिस्टर लगा के आप जितने भी सर्किटों को जो बाईपास कर रहे हो, या जो वीडियो देख कर, या जो युवा ने वीडियो देखकर आप हो रहे हो, तो भैया हम कभी भी इसके बाद भी अपनी क्लासेस के अंदर ये चीजें क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि कोई ऐसी चीज पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है जो कस्टमर दो दिन बाद तीन दिन बाद फिर आ जाए। क्योंकि आप किसी भी सर्किट को जब बाईपास करते हो तो उसमें चार बड़े मेजर फॉल्ट हो सकते हैं, और जिसमें से एक अनएक्सपेक्टेड आपको देखने को मिल जाएगा। पहला बैटरी ड्रेन, दूसरा आपका ओवरहीट, तीसरा ओवरहीट होता है ऑब्वियस है कि हीट होगा आपका सर्किट, तीसरा आपका आप आईसी को हटाकर, क्योंकि जो उसके साथ प्रोटेक्शन लगे हुए हैं वो प्रोटेक्शन भी बाईपास हो जाते हैं। आप खुद देखिए ना, आप अपनी आईसी, आप जब आईसी को बाईपास कर रहे हैं तो आप देखिए कि इतने सारे कंपोनेंट का फिर क्या मतलब है, ये सीपी का क्या मतलब है, जो यहाँ पे चार्जिंग पंप प्रोसेस, चार्जिंग पंप की सप्लाई देकर रखे हैं, एक फिल्ट्रेशन देकर रखे हुए, रेफरेंस कैपेसिटर देकर, इन सबका क्या मतलब है? फिर ये तो कंपनी बेवकूफ है कि इनको भी मॉस्फेट लगा देना था। तो यार एक हल होता है, एक मॉस्फेट लगाना तब होता है जब आप एक आईसी या किसी आईसी को बाईपास तब करना होता है जब हमारे पास उसका कोई रैंडम आईसी ना मिले, अल्टरनेट ना मिले। When you don't have alternate of someone, तो आप समझो कि चलो दुनिया में कुछ नहीं है तो ये तो लगा ही लो, एटलीस्ट काम होगा। बट अगर आप पैड रहते हुए भी मॉस्फेट लगा रहे हो, सर्किट को बाईपास कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तो वहां पर आप पैड भी बना सकते हो, बराबर। आप चाहो तो आप आईसी को इसको यहाँ पे उल्टा करके उससे जंपर मार के भी कर सकते हो, तो बकायदा वो वैसी चलेगी, बस वो रखी हुई नहीं है, और उसको बहुत अच्छे से आप यूवी ग्लू कर सकते हो। बट इतने सारे मॉस्फेट के बाद में ये तो जंपर है, तो चौथा जो आपका सबसे मेजर पॉइंट होगा, अगर एक भी जंपर बकायदा हीटिंग की वजह से खुल गया, आप यूवी ग्लू भी लगा दिया, मतलब लूज हो गया, कस्टमर ने फोन करा दिया, और तो वो क्या करेगा, वापस आएगा कि दुकान पे, बोलेगा साहब मेरा आज स्पीकर चल रहा है, सुबह नहीं चल रहा है, तो सुबह चल रहा है, शाम को नहीं चल रहा है, तो यही सारी चीजें होती रहेगी। तो बेसिकली पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है, ताकि आपको पता चले कि भाई ये काम करता है कि भी नहीं करता है, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा। एक मिनट सर, ठीक है, लोग हमें व्हाट्सअप कॉल करते हैं, मैं पहले बता दूं, प्लीज व्हाट्सअप कॉल मत कीजिए, सिर्फ नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और 7007317 7007317 9292 7007317 9292 पर कॉल कीजिए। तो देखो यार ये काम कैसे कर रहा है, जैसे अभी हम फिलहाल मैं इसके ऊपर समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, और इवन मैं पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मैंने इसको चला के भी दिखाया है और एक एरर बताया। मैं ये क्यों लेके आऊँ, मैं ये लेके आऊँ कि ऐसा टेलीकॉम इतने सालों से पढ़ा रहा है तो ये चीज क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि देखो यार जो चीज प्रैक्टिकली सही नहीं लगती है वो चीज पढ़ाना भी नहीं चाहिए। अगर बाईपास करके कोई नया सर्किट बनाने लग जाए तो सीपीयू को बाईपास करो, बाईपास करना है तो एमएमसी को करो बाईपास, तो ये बड़े बड़े गेम करो, कोई बिचारी नॉर्मली छोटी छोटी आईसी को बाईपास करने का क्या मतलब है। ये ट्रांजिस्टर है, एन चैनल एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये आपका बेस है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कलेक्टर है, आपका एमिटर है। सो अभी बेसिकली इसको क्या किया है, बेस को यहाँ पर इन्होंने हाई किया हुआ, बेसिकली बेस को यहाँ पर इन्होंने सिग्नल दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, बेस को यहाँ पे इन्होंने सिग्नल दिया हुआ है, बराबर। ये सिग्नल आपके वही कैपेसिटर के पीएम से आएगा, कलेक्टर को इन्होंने डायरेक्ट वो कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है, कॉइल दूसरे कॉइल को लिया और उसको साथ उन्होंने चार वोल्टेज का जंपर मारा हुआ है, एमिटर उन्होंने डायरेक्ट ग्राउंड किया है। अगर हम यहाँ बात करें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को हाई भी करना है, क्योंकि बेस को हाई करने के लिए हम यहाँ पे एक रजिस्टर का यूज करेंगे, जिसका हम कलेक्टर को भी दे सकते हैं, ये क्योंकि कलेक्टर ऑलरेडी चार वोल्टेज से तो जुड़ी गया है, क्योंकि ये ले देखे तो एक ही चीज है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि चार वोल्टेज जो यहाँ है वो चार वोल्टेज यहाँ भी हो जाएंगे, तो इस तरह से ये बाईपास किया गया है। बट आपको ये ऐसा नहीं करना है, देखो सिखाने के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, आपको प्रैक्टिकली ये नहीं करना है। आप नोटिस करो यहाँ पर मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या सैंपल लिए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, तो आपका एक कलेक्टर से यहाँ पर उठाया है, ये वाले से आपको सीधे यहाँ पर उठा के यहाँ पे चार वोल्टेज से जंपर मारा है, और यहाँ से उठाकर आपको
आपके बेस, आपके जो बेस पर वहां पे दिया है, हम यहाँ पे एक मॉस्फेट भी लगा सकते हैं जिसके अंदर यहाँ पर हम यूज गेट यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे ड्रेन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम ड्रेन यूज कर सकते हैं और हम अपने सोर्स को ग्राउंड कर सकते हैं, तो इस तरह से मॉस्फेट को भी ऑन कर सकते हैं। बट यार देखो कुछ भी है हम कर सकते हैं, मॉस्फेट भी लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है करंट कंट्रोल डिवाइस, ये करंट को कंट्रोल करती है, एम्प्लीफिकेशन करती है। बट इनको बाईपास करके लगाना कितना सही है कितना नहीं, आज प्रैक्टिकली देखते हैं। मार्केट में हो रहा है होने दो, आप सीख रहे हो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है, हम थोड़ा अगर नॉलेज है तो वो दिखाएंगे कि ये क्यों सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, हर तरह पर बातचीत होनी जरूरी है। तो बेसिकली एक ट्रांजिस्टर लेना है, ये आपका बेस हो जाएगा, या आपका कलेक्टर हो जाएगा, या आपका एमिटर हो जाएगा। बेस पर वही आपने कैपेसिटर को लगाना है, ये कैपेसिटर आपके पीएम से आपको ऑडियो की फ्रिक्वेंसी देना चाहिए, या एमिटर को ग्राउंड कर देना है, कलेक्टर को आपको ये कॉइल के साथ जम्पर बांधना है, जो कि आपके दो कॉइल्स है जो आपके बेसिकली स्पीकर में जा रहे हैं। एक कॉइल पे आपने चार वोल्टेज लेना है। अब क्योंकि एमिटर ऑलरेडी आप ग्राउंड कर चुके हैं, अब आपको क्या करना है, बेस को हाई करने के लिए इसके 10K का रेजिस्टर डालना है जिसको आपको कलेक्टर से जोड़ना है, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको यहां से दिखा सकता हूं, हालांकि मैं आपको ये बताऊंगा, ये देखिए पहले यहां से देख लीजिए सर्किट को किस तरह से यहां पे जोड़ा गया है, ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको ऑन करता हूं और इसको सुनाता हूं कि इसमें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, और ये देखते हैं कि क्या यहां दिखाई, ये देखते हैं कि क्या इसमें कोई ओवरहीटेड का मैसेज भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। जूम करो, देखो यहां पर ये आईसी नहीं है, आपकी रिंगर आईसी जैसा आप देख सकते हैं, ये दिख रही है अपसेंड है। पहले इसको गाना बजा ले, नहीं तो लोग बोलेंगे सर आपने लगा तो दिया, थोड़ा सा झूम करके बता देते हैं। दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अब इस पे गाना बजा देते हैं, ये देखो सर ओवर हीट का मैसेज आया था, आपने देखा नहीं, स्क्रीन पे फ्लैश करा था, मिस हो गया, और हो सकता है कैप्चर हो गया वो। बहुत प्यारा गाना लगाया, ये देखो थोड़ा पास लाओ। तो सब लोग देखो यहाँ पर, यहाँ पर आप देखो इसका आईसी देखो निकला हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, होल्ड डाउन सर आपके मूवी, यहाँ पर ये आईसी दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इसमें गाना बजाता हूँ, एक गाना मतलब कोई सा भी ऑडियो प्ले, ये देखो बिल्कुल बज रहा है, बिल्कुल बज रहा है। और यहाँ पे देखिए आईसी निकला हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इसको मॉस्फेट से बाईपास किया हुआ है। हेलो सर, बाईपास, अगर बाईपास ही सीखना जाना है तो फिर, क्योंकि अगर ऐसे बाईपास करोगे तो कस्टमर खुश नहीं होगा, कस्टमर जैसे बोलते हैं ना, अभी देखो, ये देखो पहले मैं अच्छी दिखा, ये देखो देखो हम लोग ने कितना बढ़िया ये बनाया है DIY, सो ये कितना क्लियर और कितना बढ़िया है, और अभी हम इसको देखा, ये हमने खुद बनाया, एक एक चीज हमने अपने आईफोन की खुद निकाल के लगाई, और ये हम 6 का भी लगाएंगे, दिखाओ सर 6 का भी लगाएंगे, 7 का भी लगाएंगे। तो अभी ये देखो थोड़ा हाथ से पकड़ के दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर कितना बढ़िया मैंने बनाया इसको। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आईफोन के अंदर क्या चल रहा है, आईफोन के अंदर आप देखो मार्केट में कि अब लुक स्वैपिंग करने के बाद चालू तो कर दे रहा है फोन, बट उसका उसके बाद बेसबैंड नहीं आ रहा है, या उसका उसके बाद आईफोन के अंदर वाईफाई एनेबल नहीं हो रहा है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही, कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, या ऑन हो जाने के बाद में सिम आ रही है। तो बहुत सारी जो चीजें फेस करनी पड़ रही है लोगों को, पिन के बाद काम सीखो, जो आईसी है उस आईसी को चेंज करो, अगर RFFE की दिक्कत है तो RFFE को ढूंढो, सिग्नल को देखो, ट्रेस करो, यूज करो, DSO यूज करो, सिर्फ या तो उसके वोल्टेज जानो, एक PM जो आपका बेसबैंड होता है, वो बेसबैंड एक CPU है, उसको पावर कौन दे रहा है, उसके वोल्टेज जानो, पावर कितने बक बना रहा है, कितने LDO बना रहा है, कौन कौन से सिग्नल दे रहा है, रिसेट सिग्नल दे रहा है, होल्ड सिग्नल, क्या क्या मिल रहा है, वो सारी चीजें पता करो, कौन कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है, हो सकता है रजिस्टर की वजह से चला गया हो, बट और डायरेक्ट पॉइंट होते हैं, सबको स्टेप बाय स्टेप चेक करने की एक विधि है, जस्ट लाइक अ प्रोसीजर, मतलब हर एक का एक वो है, ये नहीं कि खोल के एक एक सर्किट चेक कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, अगर अच्छे से सीखोगे तो हर एक का 4 पॉइंट के पॉइंट बन सकता है सर। कहने का मतलब अगर PS होल्ड आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं उससे पहले ये चीजें आ रही होंगी, पर समझ में आना जरूरी है ये कैसे ढूंढना है। वैसे ही अगर मुझसे MOSFET ही लगाना होता तो आईफोन में कब से क्या नहीं लग रहा होता, राइट सर। मैं तो 2018 से आईफोन के इसमें हूँ, फील्ड में हूँ, अपना एक बहुत अच्छा मैंने कोर्स भी डिजाइन किया है और बहुत से लोगों ने उसको यूज किया है, जिसमें मैंने कितना काम करके दिखाया, कितना काम दिया है, बट मैंने उसमें भी कोई बाईपास या कुछ भी चीज बताई नहीं है। और मैं बस ये बता रहा हूँ, जितने लोगों ने भी ना वो डिस्प्ले में एन चैनल का MOSFET लगा के जो बाईपास किया होगा ना, आप भी मुझे बताओ कितना आपका डिस्प्ले चल गया होगा, नहीं चला होगा, कमेंट करके बताओ। तो जो भी बाईपास है मैं कह रहा हूँ आप सीखो, जितने से भी है, एक नई नई चीजें हैं, ठीक है आप MOSFET का काम सीख सकते हो, पर MOSFET को लगाकर आप कस्टमर को लगा के दे रहे हो, तो आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं कस्टमर वापस आएगा चार कारणों से। आप देखो इसके अंदर ओवर हीटेड का सर्किट क्यों आया, हो गया था मैसेज उसका, देखा था ना आपने, सर थोड़ा सामने रखना सर, हो सकता है अभी भी मिल जाए हमको। तो आपने देखा था ओवर हीटेड का सर्किट क्यों आया, विंडो खोलना सर सामने की, आपने देखा
कि ये ओवरहीटेड का सर्किट क्यों आया, और ये सर्किट पहले पॉप अप हुआ था, सिर्फ चार्जर में लगा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ रखा था और ये पूरा एक लाइव वीडियो बन रहा था, बट उसके बाद भी ये क्यों आया, रीजन ये मेरे भाई, ये कस्टमर को भी आएगा, ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, समझना। सर आप सही बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या किया फिर, ये डीएसओ होते ही नहीं मार्केट में, मसमेट पे काम हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल को छेड़ो मत, जो है उसको और प्रॉपर बना, और दो डायोड नहीं है तो उनको स्टूडेंट को बोलना चालू करो कि डायोड लगाओ, कैपेसिटर नहीं है तो कैपेसिटर लगाओ, ये मत ये कहने का आप नहीं कि कैपेसिटर भी हटा दो डायोड भी हटा दो, फिर क्या बचा फिर सर्किट में। तो जब लगा नहीं है, आपको देखो एक सब कॉपी जब आप लगाते हो सीसी, और जब वो एनसी होता है तो उसमें कितना प्रॉब्लम जाता है, उसमें आपको एयरप्लेन मोड आ जाता है, आपको नेटवर्क वीक आते हैं, उसके अंदर कितना, उसके अंदर कई बार सेट डेड हो जाता है, सैमसंग के सेट लोगों पे आके कितने के सब कॉपी लगाने पर सेट डेड हुए। आप मेरी बात समझिए, अगर ये सब करना होता ना तो हम करके देते, और क्यों नहीं देते, बहुत पहले से काम कर रहे हैं, बट क्योंकि ये हमें लॉजिकल नहीं लगता, और अगर कोई चीज सिखाने के बाद अगर तभी सिखाई जाए जब वो बंदा उसको जाके काम करे। भाई अगर पैड निकल गए हैं तो उसको पैड बनाना सिखाओ भाई, सीपीयू निकालने से, सीपीयू रोल करने से आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा अगर आप हैबिचुअल हो जाओगे, बट आप विदाउट सीपीयू निकाले सारे काम करोगे या सीपीयू को ड्रिल करोगे। और एक और बात, सीपीयू को ड्रिल करने वाले भी, या सीपीयू को ड्रिल करना है ना सिर्फ इंस्टीट्यूट के अंदर हो रहा है, आप समझ रहे हो, कोई टेक्नीशियन सीपीयू को ड्रिल करके जंपर मार के नहीं देता होगा, क्योंकि वो अपना है ना, मतलब वो है कि अपने पैरों से जमीन नहीं निकालना चाहता, ड्रिल करते करते अगर उससे बाई चांस अगर गलती से सीपीयू डैमेज हो गया तो वो पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा। जाते ये कहूंगा कि अगर प्रॉपरली सीखना है ना तो एक बार हमारे फेसबुक में लाइव जाओ और देखो, अभी मिलन सर पढ़ा रहे हैं सुबह से रात तक, और वहाँ कोई मॉस्पेट लगा नहीं रहे, वहाँ हर बच्चों से आईसी उतरवाएंगे और डेली करवा रहे हैं, और बच्चों में हमने यही बोला है कि जब तक तुम्हारा हैंड स्किल प्रॉपर ना होगा ना सर्किट में, उसके बाद काम करना, ठीक है। और ये कहना चाहूंगा, अभी हमने बहुत से नए अपडेट लेके आए अपने पुराने स्टूडेंट के लिए, हम जितना भी काम करते हैं स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, हमें सब्सक्राइबर के लिए काम करने की आदत नहीं है। अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो, और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे, हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही YouTube में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, न कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं।